तो आप रोज रोटी मुझसे बनवाती है। अच्छा जी, मुझसे यहाँ पे आ लिया अपने। ये देखो अब इनका भी टाइम हो गया दवाई, हम दवाई के लिए कम थे, ये भी दवाई वाले। देख सारी दवाई जाने उठा, थैली जा रही थी पन्नी है। ये देखो मरीज। हाँ हाँ, उसमें मेरी है और इसमें इसकी आलिया की है। हाँ ये दे, और आपको भी यही दे दूंगी। तो ये भी लिक्विड है। हाँ पर कह रहे सिरप बन जाएगी ये, बता दिया है। एक इसे देखो, ये भी मरीज हो गया। मुंह पे हाथ रख के बेटा, एक ये मरीज हो गई, सारे मरीज हो गए घर में। हाँ मैं तो हुई मरीज, मैं भी दवाई लेके आई हूँ। अभी रुक जाओ, मैं खुद पसीने में उतरूंगी। बेटा मेरी दवाई उसमें रखो, मिल जाएगी फिर, नहीं तो। ओए हे, इतना प्यार करा जा रहा, इतना प्यार, ओह माय गॉड। अरे लेते सोते सोते कोई, ओ कितनी बेखबर सो रहा है, मजे ले रहा है, अरे पूछ ला रहा है मुझे। देखिए अब बजाएगा इसमें, अब बजाएगा। ए नहीं हट जा, बताओ तो इतनी देर से प्यार दिखा रहा है। देखिए आई आई आई, चाटे जा रहा है इसको, इतना प्यार अपने भाई से। देखिए सही में इंसान से अच्छे तो जानवर है, प्यार तो करते हैं कम से कम। देखिए बस बेटा बस बस, छोने दे उसको, क्या हो रहा है ये, सोने दे सोने दे। सो रहा है। हाँ आलिया, अरे फिर सो गया मेरा बच्चा, इसकी तबीयत ही ठीक नहीं होके दे रही है। आलिया फिर सो गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी बहुत अच्छे हैं, खैरियत से हैं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और आज मेरा ब्लॉग जो है कई दिन में जाके मैं शुरू कर रही हूँ। वो इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी मतलब नहीं है, अभी भी देखो सुन सकते आप आवाज़ से, गला मेरा इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, गले से बहुत परेशान हो रही हूँ मैं, क्योंकि मतलब मुझे भी फीवर हो रखा था और आलिया को तो हो ही रहा है। अभी देखो आलिया तो अभी सो रही, अभी भी सो गई है, ट्यूशन से आई है, ट्यूशन से आके सो गई है। आज इसको नहला दिया था, नहलाने के बाद में बस फिर स्कूल तो इसको भेज नहीं रही हूँ। तो आज क्या तारीख है फिर, 20 होगी शायद आज, तो आज है 20 तारीख और दिन है आज मंगल है। हाँ पता ही नहीं चल रहा तारीख का अभी कि क्या तारीख है, क्योंकि अभी दो बच्चे भी नहीं जा रहे थे स्कूल भी, कल आज से जाना शुरू है बच्चे, तो इसको तो मैंने भेजा ही नहीं है। और फेज अभी स्कूल से आया है और जब से ये घर पे आए हैं तब घर में इतनी रौनक रहने लगी है, तो बस पूरा दिन बच्चे इसी में ही लगे रहते हैं। और अभी देखती हूँ खाने की भी, क्या देखना क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर सारा ये समझ में नहीं आ रहा था व्लॉग में कि बनाऊँ क्या व्लॉग, क्योंकि कुछ ऐसा था भी नहीं दिखाने के लिए और फिर बनाने के लिए। और फिर जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर बिल्कुल मन भी नहीं करता है कुछ बनाने का, मतलब व्लॉग बनाने का, वैसे करने का, क्योंकि जो काम ही इतनी मुश्किल से हो पाते हैं तो ब्लॉग तो बिल्कुल बन ही नहीं पाता है। तो वैसे देख कोशिश करी मैंने, चलो सोचा मैंने कि चलो आज शुरू कर लेती हूँ ब्लॉग अपना, कई दिन हो गए हैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा था बिल्कुल भी। तो अभी बस दिखता है शाम तक खाने की तैयारी करनी है। और आवाज़ तो मेरी बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, मतलब मैं सबसे पहले ना, मेरे कुछ भी होता है ना, सबसे पहले आवाज़ पर फ़र्क पड़ता है, आवाज़ तो मेरी बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। एकदम ऐसा लगता है ना यहाँ से सांस लेने में भी परेशानी लगने लगती है मुझे, पता नहीं थायराइड की वजह से, शायद थायराइड से ही मुझे दिक्कत लगती है इतनी। मुझे ये लगता है क्योंकि मुझे थायराइड की दवाई मैं खाती हूँ, मुझे 8 साल हो गए थायराइड को, और मेरा फिर यहाँ से ऑपरेशन भी, ये देखो आप दिखाती हूँ आज मैं आपको, ये मेरा यहाँ से ये देखो तो आप, ये यहाँ से और यहाँ तक का पूरा, यहाँ तक का ना पूरा मतलब ये ऑपरेशन हुआ मेरे थायराइड का ही, तो इसलिए मेरा ना गला बहुत जल्दी, सबसे पहले मतलब मेरा गला ही जकड़ता है, मुझे सबसे पहले गले में परेशानी होती है। और ये आज मैंने ये नया कुर्ता पहना है और ये ना मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बहुत लूज लूज सा है, तो इसको पहले ठीक करूँगी। और अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं इसे ठीक करूँ कुछ करूँ। और इधर मेरे कपड़े पड़े हुए हैं प्रेस के लिए, वो भी नहीं हो पा रहे हैं, प्रेस नहीं हो पाती है मेरी, कुछ नहीं हो पा रहा, बस सिर्फ घर का थोड़ा जो काम है मतलब वही डेली का रूटीन जो है, मतलब वही खाना बनाना ये सब, बस यही कर पा रही हूँ, ये भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा है, बाकी कुछ काम नहीं हो पा रहा मेरा। तो खैर
और जब से ये देखा था अभी दिखा लड़ रही थी यहाँ पर, मतलब ये अभी एक हमारा ये ऊपर चला गया था बच्चा छोटा, और दूसरा जब यहाँ रह जाता है ना तो जब वो वापस आता है ना छोटा वाला, देख दूसरा वाला आता, पहला वाला आता है तो दूसरा उसको देख के ऐसा खुश होता है, उसे ऐसे किसी करेगा, चाटेगा, इतना प्यार दिखाएगा। सच में इंसान से ज़्यादा जानवरों में प्यार होता है, ये बात है। इतना ज़्यादा मतलब एक दूसरे से दोनों भाई प्यार करते हैं, तो ये दोनों भाई हैं और दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। और घर में जब से ये आए इतनी रौनक हो गई है घर में, हर टाइम बच्चे इनके पीछे लगे रहते हैं। और आज की पूरे दोपहर ही इतना सोया है मतलब दोपहर में तो ऐसे सो जाते हैं कई घंटे के लिए सो जाएंगे। आलिया कोई भी लेके लेट जाएगा बगल में और सो जाएंगे आराम से मजे से। और जब इनको भूख प्यास लगती है तो बस जब ही थोड़ा सा बोलेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे थोड़ा सा, तो इनका पता चल जाता है कि इन्हें भूख लग रही है, तो वो जल्दी से खाना दे दिया, खाना खाया, पोटी करी और बस फिर आके अपना खेलना शुरू, खेले, खाए, सो गए। मस्त जिंदगी इनकी चल रही है, सबसे बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़ की, बेफिक्री वाली ज़िंदगी है। तो चलो अभी देखते हैं खाने का, भी देखते हैं क्या बनाना है खाने में, क्योंकि खाने का भी समझ में नहीं आ रहा अभी, मेरे हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा है, मतलब सब पूरी बॉडी में पेन हो रहा है अभी भी, मतलब दवाइयाँ खाते खाते भी ना पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, पूरी बॉडी में पेन। मिलते हैं आपसे बाद में। ये देखो अब इनका भी टाइम हो गया दवाई का, मतलब हमारी तो दवाइयाँ चल रही हैं, इनकी भी साथ साथ में दवाइयाँ चल रही हैं। हम दवाई के लिए कम थे, ये भी दवाई वाले आ गए, दे दे इनको, दे कहाँ जा रहा है, भाग के देख देख जल्दी से बच के जा रहा है, वापिस दवाई से बच के जा रहा है, जल्दी से पकड़ इसको, पकड़ जल्दी, इधर आ जाओ इधर। अच्छा और दूसरा कहाँ गया, अच्छा दूसरा इधर है, पिला इसको दवाई, कितना क्यूट लग रहा है, किसे इसके लिए भी दुआ पढ़ ले, अल्लाह साफी यही काफी, बिस्मिल्लाह मत पढ़ी, अल्लाह साफी यही काफी, नहीं चाट रहा है तो मजा आ रहा होगा, हाँ साइड से डाल, तो ड्रॉपर दबा तो जा रही है, सही है, कौन सा ये बेटी ने मसल, पूरी दोपहर ही सोए ये, पूरी दोपहर ही, हाँ पूरी दोपहर ही सोएंगे, फिर रात में दो दो बजे तक हल्ले मचाते हैं, दिखा इधर को, फिर सुनवाओ, अभी सुनवाओ तुझे, देख नहीं मार मत, मार देख वो तो पड़ गया मजे से, बेटे मत सो, अब मत सो, रात को फिर सोता नहीं है, डेढ़ बजा देता है डेढ़, हाँ देखिए ये भी उड़ गई, अप्पी भी उड़ गई, अब तो तुम्हारी अप्पी भी कल्लो हो गई बिल्कुल, तबियत खराब में, चलो चोटी वोटी करवा लो अपनी, अरे इसकी दवाई खत्म नहीं हुई है अभी, हैं अच्छा पिला दे, चलो चलो भैया हम भी बस अब खाना वाना बना, पेट ये घड़ी फिर बंद पड़ गई है, देख अब फिर 5:15 बजा रही है इतनी देर में, हाँ ना बेटा, हाँ क्या कह रहे बोलो, नहीं चावल नहीं बनाऊंगी, दोपहर भी चावल बने थे, अब कुछ खाना चावल यार, तुम थाली बनाने बैठ गई हो, तो चावल तो फिर भी नहीं खिलाऊंगी, तुमने क्या खाई है थारी, ये बताओ, नहीं खाई है ना, नहीं रोटी बनाऊंगी, नहीं गला देखो तुम्हारा भी खराब है मेरा भी खराब है, नहीं अब कुछ नहीं बनाऊंगी, चावल वावल, अब रोटी बस सादा सिंपल रोटी सब्जी बनाऊंगी। तो अभी रात का टाइम हो गया था, तो अभी रोटी वगैरह मेरी बनी, फिर यहाँ पे आलिया ने कर ली थी उल्टी, तो पहले मैंने यहाँ से उल्टी सब साफ की, और अभी भी सबकी मतलब तबीयत खराब थी, किसी की भी तबीयत अभी ठीक नहीं है घर में। यहाँ पे आलिया अपने लिए आलू काट के गई, देखो कितने बढ़िया आलू काटे, और रात ही अपने पापा को लगा दिया इसने ड्यूटी पे, क्या बनवा रही हो आलिया, हैं फ्राइज लगा दिया पापा को ड्यूटी पे, हाँ हमारे लिए बना दिया करो, ऐसे ही हमारे लिए तो कभी कुछ नहीं बनाते,
अच्छा सब्जी मुझसे बनवाती है। ठीक है तो आटा गुंदा हो रखा हुआ है, बना लो रोटी। आ, बना दूंगा मैं। ठीक है कुछ भी कुछ भी क्या झूठ इतना बोला करो जो हजम हो जाए। ठीक है ना, लिया है तुम क्या लेके आयो साल? मैं तो ऐसी रख दी डिश में। हाँ सब्जी तो मैंने कुछ बनाई नहीं है तो इसलिए हाँ ये लेके आ गए बाहर से। अले खोल इसको। नलीना हारी है वो। किचन वगैरह तो सब मैंने पूरी साफ कर ली है यहाँ से। आलिया भी अभी पढ़ के भी आ गई है ट्यूशन, ट्यूशन भी पढ़ के आ गई और अरवी भी पढ़ के आ गई है। नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा। चलो मैं खोलूँगी, हटाओ। आलिया से नहीं खुल रहा। काम भी हो रहा है मुझको तो। हाँ पानी सारा निकल जाएगा तब से एकदम मजा आता। अच्छा तो सारा मसाला मसाला सब पानी में भूल गया। ये देखो हमारी नली नहारी। अरे वाह नहारी तो आज की बड़ी अच्छी से लाई। अरे यहाँ पर नली नली पड़ी है, साइडों में भी नली नली पड़ी है साइडों में। नहीं मम्मा मैं तो अपने फ्राइज खा रही हूँ। चल तो मैं अगर मेरा पेट नहीं भर रहा तो मैं थोड़ा सा ही खा रही हूँ। तो नारी तो देखने में बड़ी टेस्टी सी लग रही है तो पहले जल्दी से फटाफट मैं भी रोटियां बना लेती हूँ क्योंकि अभी ये मेरा आटा गूंदा रखा हुआ है। और ये जनाब भी आ गए तो जल्दी से आलिया के लिए फ्राइज बनाएंगे। देखिए देख क्या क्या नीचे काट रहे। आलिया हट जा तेरे लग जाए। अरे बोला सुबह उठते ही इनका हल्ले मचने शुरू हो जाते हैं, ऐसे उधम मचाते हैं ये दोनों। देख इसे खरगोश को देख कितने इतने उठने भी नहीं दे रहा। अल्लाह नहीं मानोगे तुम दोनों, अरे नहीं मानोगे तुम दोनों। दे 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 हेडर को पेज ने डांट दे दोनों को। नहीं सुनने देखे खाने को तैयार है एक दूसरे को। कभी तो प्यार ही देखे तो सीधा बन जाता है। फिर आली के पास जा रहा चुपके। आली तो हट पीछे हट पीछे जा रही है और वही हो जा रही है वीडियो में जा रही है। बेटा हट जाओ बस। अब इनके पेट भरे हुए है ना, मजे से खेल रहे हैं ये दोनों। हैं दो घंटे बाद ये सुस्त हो जाएंगे। देख मत कर आगे, मत कर मत कर खेलने दे। क्या हो रहा? अच्छा अल्लाह तो गाइस यहाँ पे आ गए हमारे गद्दे, पापा लेके आ चुके हैं। अम्मी अब इनमें कवर चढ़ाएंगी, वो देख रहे हो नीचे कवर पड़ा है वो कवर चढ़ाएंगी। ये गद्दे हमारे उतर चुके हैं, ये दोनों चढ़ चुके हैं। देखो दबने में भी अच्छे हैं, फॉर्म के गद्दे हैं। सुबह नाश्ता करने के बाद में ये चले गए थे मार्केट, तो मार्केट से लेकर आ गए थे ये गद्दे। तो क्योंकि जो मेरे बेड पे जो गद्दे थे वो मैं इस वाले दूसरे वाले कमरे में डाल लेते थे, और उस वाले बेड पे जो डले हुए थे वो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। तो ये अम्मी ने मंगाए थे अपने लिए, और ये बिल्कुल मतलब फॉर्म के उनके हिसाब से फॉर्म के जो होते हैं सॉफ्ट एकदम। तो यहाँ इनके साथ इसमें मैं कवर भी चढ़ा रही थी, तो ये कवर जो इनके साथ साथ ही आए थे। तो ये मुझे भी ले जा रहे थे मार्केट, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी इस वजह से मैं तो गई नहीं, यही लेकर आ गए थे फिर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट करना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। और यहाँ बनाइए फेज ने मैक्रोनी। आलिया को उठ रही है खांसी, और दोपहर के बजने हैं 3:30। अभी खाना वगैरह भी किसी ने खाया नहीं है और इनको खाना भी नहीं था, तो इसलिए इसने यहाँ पे मैक्रोनी बना ली है। और यहाँ मैं तो अभी गद्दे ही सही कर रही हूँ।